गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हमारा काफी लेट हो रहा है। तुम भाई कैसे बहुत लेट आते हो क्या? भाई टाइम हो, आप तो नहाए भी नहीं। अच्छा मैं नहाया नहीं का, तो मेरे साथ मैं इसने नहीं नहाया ताकि तुम लोगों के साथ ना सकूं। भाई हम लोग इकट्ठे नहाएंगे आज। यार आज का इवेंट ये है मेन कि हम तीनों इकट्ठे नहा रहे हैं, अंदर पीछे वॉशरूम वेट कर रहा हूं। करना जल्दी आ जाओ, है डर जाओगे। हम तो पहले से डर रहे हैं भाई तेरे तो। यार हम लड़का नहीं है। ओह शिट, ये क्या हो गया? अर्चित का पता लग जाएगा हमें कि आज अर्चित लड़का नहीं है। कोई बात नहीं, अर्चित तो मॉन्स्टर है ना। तो भाई अभी शूट है आज हमारा डे टू। सारे लोग बड़ी मुश्किल से मैंने उठाए हैं। मका भैया उठ जाओ, लात लात मार मार के उठाया। मका भैया प्लीज शूट है कर लो, तीन सीन बच रहे हैं हमारे। तो अभी खाना वगैरह बन रहा है, मैं इतने नहा लूं। मैं मेरे लिए, तुम्हें पता है तुम लोग क्या खा रहे हो? अच्छा तुम लोगों ने क्या खाया है? क्या खाया? आलू के पराठे, सिंपल पराठे। तूने सिंपल पराठे? अबे जो भी पराठे खाए ना तुमने बेटा, मैं मेरे लिए पता क्या बन रहा है? दाल चूरमा। आया मजा? तो उसमें ऑटोमेटिकली इक्विटी है ना हमारी। अच्छा तुम इसलिए बैठे हो यहाँ पे ताकि तुम मेरा दाल चूरमा खा सको? और क्या भाई, ये गलत बात है तुम्हारी। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा दाल चूरमा आ रहा है। और ये देख लो गाइस मेरी सेक्सी अजमती, देखो लड़कियां पहन हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ मेरा दाल चूरमा आ रहा है, और उसके बाद यहाँ बैठ के अपने खा के फिर नहा धो के चलना। तेन नहाना मेरी गल, चल छोड़ तेन, तू डरावे मेरे को। चला तू नहाए, तुम ना नहाए ना, माँ कसम उठाया आपके कॉल ने मेरे को। ओहो तू, मैंने करा था पहले कॉल। तू रहने दे, रहने दो, 10 मिनट का नाम लेके दो घंटे में आओतम। कोई नहीं भाई, अभी दाल चूरमा खा के फिर नहाएंगे। हाय गाइस, भाई वाह, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं सब। और ताश खेल रहे हो क्या? ताश खेल रहे होगे? भाई तुम्हें पता है ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, अगर अभी ये बता दूं वैसे तुम कट मार दोगे इसको? नहीं नहीं, फिर नहीं, मत कर हमारी एल्बो बात, मत कर भाई, गंदी बात चल रही है। अरे नहीं नहीं, मतलब ऐसे साइंस की बातें कर रहे हो भाई। ना दो का ऑल सेट। और इसने जो भी बात करी है ना, वो अगर बात में कैमरे में बता देता भाई, तुम मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देते। और इसके लिए स्ट्राइक लग जाती, स्ट्राइक स्ट्राइक लग जाती। इतनी घिनौनी गंदी बात थी ना ये। फैक्ट वाली बात है, और दूसरी बात है सत्य है। और अगर कोई लोग इसको मतलब सुनेगा तो वो मोटिवेट होगा इस बात से। मोटिवेट करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी भाई। शूट स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ। लाइट लग चुकी है, एक सीन निपटाएंगे इंडोर, उसके बाद चलेंगे सारे आउटडोर सीन लेने। गाइस मैं वॉशरूम आया था अभी, वो बाल वाल सेट करने। तो मेरे को पता क्या दिखा यहाँ पे, ये देखो 6-6 इंच की हील। बात पता तो हील किसकी है? कौन है गोली चलाने वाला? मैं कह रहा हूँ यो हील किसकी है 6 इंच की? क्या ये आपकी हील से जो अंदर निकली हुई है? ये मास्टर जी की वाइफ की है। ओह माय गॉड, कहाँ है वो? शी इज गॉन, शी इज डेड, शी इज डेड, मर गई है वो। गाइस हाथ जुड़वा लो ना मेरे प्लीज, एक बार करते हैं, एक बार सीन कर लेते हैं। पहले जोड़ दो फिर हैं, जोड़ दो। यो केले का डोल रहा तू सबके बड़ान को। चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे, ठीक है? ज्यादा मटर गस्ती नहीं यार तू भी भाई। हां बैठा हूं, मौका कहां बैठा ना भाई। करें शुरू, करें करें शुरू। ओके फरीद डार्लिंग, क्या हाल है फरीद भाई? ओहो तो भाई, ओह मेरे अंदर का सामान दिख रहा था। मैं कह रहा हूँ भाई अब पहला सीन खत्म हो चुका है दूसरे दिन का। अब जा रहे हैं, अब यहाँ का एक और सीन है जो बालकनी में से भाई बहुत डेंजर स्टंट है जो मैं क्या टकराया है। तुम कहोगे एलिस भाई तुम्हारे डैंड्रफ हो रहा है, पता नहीं क्या है भाई, एक बहुत डेंजर स्टंट करने वाला हूँ मैं। मतलब तुम देखना, तुम भी कहोगे एलिस भाई देखो मुश्किल तो है पर तुम्हें मजा आ जाएगा, देखना तुम मेरा स्टंट देखना अभी। पर अपने घर पर ट्राई मत कर लेना गलती से भी। जो स्टंट मैं कह रहा था ना, ये देखो मैं पहली मंजिल पर रहता हूँ और ये ना बेसमेंट है अंदर। और ये देखना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत गैप है। मतलब नीचे से दिखाऊंगा ना कैमरे से तो मैं पता लगेगा। तो मेरा जो स्टंट है ना वो ये कि मुझे यहाँ से ना वहाँ पे कूदना है। क्यों कूदना भाई? अरे भाई वो यार वीडियो में है तो फिर भाई वो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स काम वो सब दिखा दो लोगों को कि हाँ हम कैसे करते हैं प्रोफेशनली। देखो सबसे पहली बात तो ये कि भाई मैं अपने स्टंट खुद करता हूँ, दूसरी बात ये कि हम पे कोई सेफ्टी ना है, इसलिए मैं बस वार्निंग सॉरी डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि भैया अपने घर पे ना करें। तुम्हारा भाई कर लेता है, हम तो बचपन से अपने स्टंट खुद करा है। मैं अमरूद के पेड़ पे चढ़ चढ़ के अमरूद तोड़े करता, और कि क्या मैं उसे जामुन खाए करते हैं पेड़ पे चढ़ के, आदत पड़ रही है कूदने पूदने की। तो भाई ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो वैसे तो भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक बार गिरते ही खत्म है आदमी। एक बार उधर की साइड जाके दिखाइए, एक बार दिखाता हूँ भाई। एक बार उधर की साइड जाके खड़ा होकर इसी बालकनी पे अपना पैर दिखा दे, कहाँ तक पहुँच रहा है तेरा। एक बार भाई देख लो, अगर तुम्हें पता लग रहा हो कि कितनी पास है कितनी दूर है। भाई ओ नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा भाई। अगर गिर जाओगे तो सीधा हड्डी पड्डी ना मर भी सके, सीधा बेसमेंट में जाएगा। क्योंकि ये पहली मंजिल नहीं है, पहली मंजिल ये है, मतलब सॉरी पहली मंजिल यहाँ से शुरू होती है, ये बेसमेंट से फर्स्ट मंजिल। अब तुम समझ लो कितना है, और ये फिर ऊपर तक ये सेम सिस्टम, ये गैप, ये गैप, तुम गैप देख लो कितना
समझ गए तो ये जिंदगी में जब ये सब कर रहे हैं भाई यार वीडियो के लिए करना पड़ता है ना यार ये तो ठीक है पर भाई सेफ्टी तो ले लो सेफ्टी क्या ले लूं मेडिकल स्टोर चला जाऊं मेरे तो उल्टी बात करोगे तो भाई हम तो उल्टी बात ही करें भाई इमरान भाई पर नीचे चले जाओ ना हैं भाई को ले जाओ एक बार नीचे का रास्ता दिखा दो और फिर मेरे अंदर का सामान देखो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी तो करते हैं अभी शुरू भाई अपने एक भाई है यहाँ पे कैमरा लेके और दूसरे भाई जाएंगे उधर वहाँ से लेंगे मेरे को यहाँ से वहाँ जंप करने का मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचना है मेरे को सीन ऐसा कि मैं यहाँ से भागना है मुझे मतलब भाग के मुझे बालकनी कूदनी है ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं क्या कर रहा था तो ये थोड़ा मुश्किल स्टंट है वैसे तो मैं कर चुका वैसे कई बारी बट हर बार डर ही लगा है इस बार देखते हैं क्या होगा कर नीचे टीन यार बहुत पहननी है यू बढ़ जाएगी कहीं गाइज हमारे साथी भी पहुँच चुके हैं कैमरा लेके और ये भाई बनाएंगे ब्लॉग मेरा साथ साथ में मतलब जो ब्लॉग में डलेगा ना वो भाई बनाएगा उधर से अपने फ़ोन से यो लड़का करेगा कुछ भाई रुक जाना अभी नहीं बोलिंग कर रहे हो ग्लोनी में डाल रहे हो अंदर से आए फिर जा रहे हो जब वो बाहर गया तो उसने यहां से 5 घंटे में लटकते ही वो आएगा ओह माय गॉड इतना ज्यादा गैप केल्विन 49 फरीद भाई बहुत दूर है अभी भी देख लो बहुत दूर है अभी भी कोई दिक्कत ना है ऑल सेट ऑल चिल दो कैमरा लगे हवाई करो भाई गाइस कोई भी इसको घर पे अरे भाई किसी के घर पे इतना गैप होगा नहीं भाई रेडी एक्शन और भाई ओ माय गॉड अरे बच के रे और 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 भाई भाई और फंस गया ओ माय गॉड भाई वो लड़का ना मान रहा भाई यार ध्यान से हाँ भाई दोबारा कर रहे हो और क्या भाई संभाल के करना चलो भाई रुक जाओ रेडी भाई साहब एक्शन ओ माय गॉड बहुत ज्यादा गैप है लग नहीं रहा पर और रहा, देख लो भाई इन्हें तो एमएस धोनी भी पैर नहीं खोलता होगा गाइस हाथ देख लो मेरे बहुत स्टंट वाले हाथ मेरे तुम्हारे भाई ने फाइनली स्टंट पूरा करा मैंने अभी नोटिस करा कि मैं नीचे से ऊपर तो जा सकता हूँ मतलब जा रखा हूँ पहले भी और वो इजी भी है बट ऊपर से नीचे आना पैर ऐसा हो रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ टिक टिक है ना कहाँ पर भाई बहुत ज्यादा गैप था नो डाउट भगवान की दया से तुम्हारा भाई सेफ है बट मैं अपने स्टंट खुद करता हूँ एल्विस जैकी चैन भाई मैंने कल वाले व्लॉग पे पढ़े कमेंट कि अर्चित टॉक्सिक है अर्चित बहुत लड़ता है अर्चित इज माय ब्रदर किसी कर दे जल्दी किसी कर दे जल्दी किसी कर दे किसी कर देता साढ़े मारता मैं कह रहा हूँ तो शर्म नहीं आई ये देख लो अनूप भाई हमारे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली बट फिर भी अनूप भाई हमारे साथ है इसलिए ये क्या कर दिया गंदी हरकते सामने भाई बंदों ने देख लिया यार सोसाइटी के ये करते हुए कोई नहीं चलो अब हम जा रहे हैं शूट करने जब अभी बात चल रही थी कि कौन कितना इंटेलिजेंट है तो मैंने इनसे बताया कि मेरे बारहवीं में 94% थे तो तुम लोगों की मतलब कितने परसेंट आए सारी चीज़ें तो हिमांशी का सबसे पहला बयान था कि मेरे तो स्कूल होता ही ना वो तो मेरे चाचा का स्कूल था इसलिए मैं पास हो पाई और तो वैसे फेल भी हो रखे ना एक बार मैं 10वीं में फेल हो गई यार मेरे मैथ में पहले 2 नंबर आए फिर 0 आए भाई 2 नंबर किसके आवे मैथ में मेरे भाई वाह भाई आवाज नहीं आएगी वो ये क्या आ रही है आवाज है ओहो तो चलो ओवरऑल लोगों को चाहे आवाज आई हो ना पता ही पता लग गया कि हिमांशी में कितना दिमाग है हिमांशी उसको समराइज करती है परेश रावल को जो बोलता है मैं 2 पैर तक पढ़ाऊं तो ये सेम इन्हीं के घरों में आता होगा उस टाइप का परेश रावल बाबू भाई मैं तो बाबू भैया तक भी नहीं पढ़ी यार 2 बजे तक भी नहीं पढ़ी भाई मैं तो मेरी प्रिंसिपल ने और एस्टिकेट कर दिया बाहर निकाल दिया एस्टिकेट कर दिया तुम्हारी प्रिंसिपल ने बहुत बुरा हुआ हिमांशी के साथ यार सुनो टीसी काटने की कह रही थी मैं खुद कटवा के लाई मुझे वैसे भी कटवानी पड़ेगी 10वीं फेल हो गई बेइज्जती करा के क्यों जाऊं मैं जा रही हूं कटवाने ओ माय गॉड यार हिमांशी की कितनी दर्द भरी कहानी है गाइस टीसी खुद कटवा लाई बंदी भाई सो सैड
बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, हिमांशु की लाइफ स्टोरी है। अभी जा रहे भाई अगली शूट की लोकेशन पे, जो कि है हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट सीन, उसके बाद लास्ट सीन और फिर वीडियो अपनी खत्म। भाई मेरी गाड़ी पे मार दी इसने यार, ये बोर्ड मार दिया भाई गाड़ी पे। कैसा लगा, आया मजा? पिछली बार भी सीधे करी थी भाई। इसकी सेहत का राज देख लो गाइस, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ओ तो ऐसे खा जाएगा क्या वो? अरे ये क्या नीचपना है। अबे ये क्या नीचपना करा इसने। ओ हिमांशु क्या कमेंट करना चाहोगे इस पे आप? ओह फक भाई, ओए तूने देखा नहीं अभी? ओ चोरी डर गई नू कह रहा है ऐसे। प्रोटीन क्या है भाई? ये इसने प्रोटीन खाया भाई। ये ऐसे खा लेता तो ऐसे इंसान है, जानवर है ये। अपने आप में मीम हो रखा भाई अभी तो। इस टाइम पे देख तो नहीं मेरी, ऐसे तो कोई खाता ही नहीं यार। मैं तो सिर्फ ये देखा कि इसको पानी में डाल के खाती थी उसको। पानी में या दूध में? बेंच किस दिन बिल्डिंग बनने का दिल कर गया, सीमेंट वीमेंट खा गया, अपने अंदर ही बिल्डिंग बना लिया। कह रहा सब खा सकता हूं मैं तो, इसका ये चीज पता लग गया। माइक अपना मुंह तो खोल के दिखा दे, मुंह तो खोल के दिखा दे। ओनली बेंच शिट, आपने शूट के बाद ये समीर पार्टी करके आया रात में? नॉन लिविंग थिंग्स। हां पार्टी करके आया तो नॉन लिविंग थिंग्स खाने लग गया। बीडब्ल्यू चला गया और सुबह आया 6 बजे पार्टी करके। अब बताया अभी तुम भी जाते साथ में? और सबसे नहीं, हम नहीं गए। और सबसे बड़ी बात ये कि नशे यहाँ से करके क्या था भाई, बीड़ी पीने को नशा कहते हैं। हाँ मतलब भाई ये सब तो ठीक है मेरे को एकदम से, पर यू क्या है भाई, ये पावर खराब है। गाइस हमारे साथ एक देसी डॉगो और ये हमारे साथ सांप, तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट का चैनल भी तो हमारा। अरे खाली में जीप फिरा रहा, आ जा बेटा आ जा, यो ले ले मेरे सांप तक कुछ कह दी तो। छिपकली चिपकी हुई थी और शीट, ये तो खराब डॉगी है। सो गाइस ये जो सांप है ना, ये जो मेरे हाथ में, ये भाई ईयर पे डालेंगे। ले तू ही डाल दे ले, छोटा छोटा सा मजाक है, कभी सीरियस मत ले। हां कौन से वाले पे डालेंगे तो बता दे। लेफ्ट वाइट वाइट वाले पे डालेगा। अच्छा जा डाल, हम देखेंगे देखा क्या होगा। मेरे सांप लेके ना भाग जा बेटा, फिर देख लो सांप लेके भाग गया तो। ये क्या लटक रहा है, ये देख ले। चूते भाग जाए फिर। अबे उठा ला उसको, उसे उठा के ला, कूड़े में ले जाएगा, कूड़े में ले जाएगा वो। गाइज अभी अभी फूल दिया है समीर ने इस लड़की को, रेड कलर का रोज। और लड़की कह रही है यार तेरे को शर्म नहीं आती क्या? अपनी उम्र देख, मेरी उम्र देख। तो गाइज दिस इज एंड सीन ऑफ आर वीडियो, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता यार, मेरी बनियान बार बार दिख जाती है, बस सीन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यही मेन सीक्रेट है वीडियो का। और सीक्रेट से आधा सीक्रेट चास लियो, एक माचिस ले रहा होगा सीक्रेट पीता नहीं मैं। अरे सीक्रेट की कह रहा हूँ, सीक्रेट की थोड़ी कह रहा हूँ, सिगार पी ले। आजा आजा चल सिगार चोर पीता हूँ आजा। हाँ वही तो पियाऊंगा, चलो जी आए हम आते हैं पर्सनल काम करके। सो गाइस फाइनली अपना हो चुका है बैकअप, हो चुका भाई अपने ट्यूशन टीचर एपिसोड 2 का। बहुत स्वाद आने वाला है तुम्हें, तुम्हारी कसम बहुत ही ज्यादा स्वाद आने वाला है इस वाली वीडियो में। मतलब जो तुम्हें चाहिए था ना वो है, हर प्रकार की जो तुम्हें चीज चाहिए ना वो है इसके अंदर। तुम कहोगे ना एलिस भाई हमें रशियन चाहिए, तुम्हें रशियन भी मिल जाएगी इसमें, सब मिल जाएगा है सब। यू कह रही है योगा करा, मुझे रशियन करा दू। रशियन अमेरिकानो न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड भी। तो भाई एक बार मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, हम सारे जा रहे हैं वापस फ्लैट में। फ्लैट से चलने से पहले एक बार भाई घर पे नजर मार लेते जो बन रहा है हमारा है। बहुत दिन हो गए प्लाट पे गए, और तो कितना बन गया, कितना बढ़ गया काम, वो एक बार चेक तो करना चाहिए ना। पापा बेचारे अकेले लगे रहे हैं सारे कामों में, एक बार हम भी देख लेंगे, थोड़ी आवाजी कर देते हैं। अरे आवाजी क्या है, घर तो घर ही है। तो भाई घर पे जा रहे हैं और फिर बताते हैं कितना कंप्लीट हुआ और फिर निकलेंगे वापस फ्लैट पे। शूट खत्म होने के बाद अपने यहाँ पे प्लाट पाना इज मैंडेटरी। तो आइए गाइस देखते हैं कितना हो चुका है हमारा कंप्लीट। जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, रैंप भी बना रखा है,
कोई नहीं, वैसे भी तो ये क्या है सिस्टम दरा भी तो सारा हट गया है, हमें पता हम सिखा है ठीक है, पलस्तर का काम चल भाई ऊपर तक थर्ड फ्लोर तक गाड़ी दिख रही है हमारी, यो कैब में कौन आ रहा है, उसका रिश्तेदार होगा कटा रहा कोई। और यहाँ पे अपने पूरा ये मेरी ओपन बालकनी जो है, पलस्तर काम फर्स्ट फ्लोर पे कंप्लीट हो चुका है, अभी ये थर्ड फ्लोर पे हम, सॉरी ये तो फोर्थ फ्लोर पे हम, फोर्थ फ्लोर से दिखता भाई ऐसा, ये मेरे वाला फ्लोर है और ये यहाँ पे सामने की बालकनी और ये फिर ऐसे ऐसे सिस्टम। अभी तो टेरेस पे जाएंगे, डेटा हो रहा है कॉपी और ये दूसरा कार्ड भी बचा है, मतलब अभी डेटा कॉपी हो रहा है सारे भाई अपने भाई, जब शूट खत्म हो जाए जब मजा ना आ जाए बहुत भाई सुकून मिलता है, बट अब एडिटिंग स्टार्ट करोगे अभी आप हैं, वो भी तो है सिस्टम। देखो वैसे कहने को तो मुझे नींद भी आ रही है और आंखों में आ रहा बिल्कुल पानी की, बस अभी जाकर पड़ेगा सो जाऊं, बट मेरे को एक बार मेरा जी है एक बार जू बिल्ली के पास जाने का, क्योंकि कह रहा था कि भाई आ जाना, तो क्या तो नींद कॉम्प्रोम भाई, मेरी आँख कैसी हो रही है, मेरी आँख ब्राउन कलर की है, पता लगी मेरे को यार, ओह शिट भाई साहब सही में ब्राउन कलर की आँख है मेरी, तो एक है पर ब्राउन कलर की लाइट पड़ रही है, लाइट ना पड़ रही भाई, ब्राउन कलर की आँख है मेरी, गाइस देख लो बेशक, ओह मजा मजा आ गया। चलो जो अभी अभी देखता हूँ कि अगर सो गया तो भाई व्लॉग पता चल जाएगा तुम्हें क्या हुआ।